Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. गाइस आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह मैं और दीदी निकल गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर की ओर. सुबह ही अचानक से कॉल आया कि आज वैक्सीन होगा, फर्स्ट डोज होगा कोवैक्सीन का. तो सुबह सुबह निकल पड़े हैं, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में निकले कि खाना भी ठीक से नहीं खा पाए. मैंने तो आधा ब्रेकफास्ट किया और दीदी ने तो बस ब्रेकफास्ट करने वो बैठी थी, उसने ठीक से खाया भी नहीं. और ये जो रोड है आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने अपने मोतीझील व्लॉग में भी दिखाया था आप लोगों के साथ. ये एक स्क्वायर फील्ड है हमारे यहाँ का, एक हिस्टोरिक प्लेस जो इतना खाली है. और ये DM बंगलो है, ये जो एरिया है ये इतना खाली मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा. ये मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन है और ये है पुलिस हॉस्पिटल, उसके ऑपोजिट में ये है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर. पापा का यहाँ पर वैक्सीन हो रहा था, हम सभी को कोवैक्सीन ही लगा है. ये पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन. कोविन ऐप पर ये पुलिस ऑफिसर और ये लेडी रजिस्टर कर रहे थे हमारा आधार कार्ड लेकर. एंड ये है हमारा वैक्सीनेशन सेंटर जो 35 इयर्स के नीचे के एज के हैं उनका इस एरिया पर हो रहा था. एंड 2 सेकंड लगे बस इंजेक्शन पुश करने में. मुझे तो पता भी नहीं चला कब मेरा स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया. और मैंने उनसे पूछा भी कि हो गया इतनी जल्दी, उन्होंने कहा हाँ हो गया. पेन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ जब इंजेक्शन पुश किया तब. मैंने इस व्लॉग में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों ही शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिए. নর্মাল তো নর্মাল থাকে কিছু दीदी को थोड़ा सा डर लगता है निडल से. और यहाँ पर हम लोगों का वैक्सीनेशन के बाद एक रिसिप्ट दे रहे थे जहाँ पर वैक्सीन का नेम जैसे कि कोवैक्सीन लिखा था और सेकेंड डोज का डेट लिखा था. जो ड्यूरेशन है वो जैसे हमारा था कि 16 जून से 30 जून के बीच होगा, तो वो ड्यूरेशन उसमें लिखा था और कोवैक्सीन लिखा था. और ये मम्मी का हो रहा है, मम्मी भी विदाउट एनी प्रिपरेशन आ गई थी, जो भी सामने मिला वो पहनकर आ गई. सो गाइस जैसे कि आप सब ने देखा हम लोगों का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हो चुका है. पहली बात तो मैं अपने हेयर पर मैंने शावर कैप भी नहीं लगाया था और कोई दुपट्टा भी नहीं लिया था, इसीलिए मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है अच्छे से. अभी यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हम सबको वैक्सीनेशन दिया गया है और बहुत ही ज़्यादा पेन है, मैं हिला भी नहीं पा रही हूँ और मुझे थोड़ा सा सिर में ना भारीपन महसूस हो रहा है. और जब मैंने वैक्सीनेशन लिया था उसके बाद आधा घंटा हमने वहाँ पर वेट किया था आफ्टर वैक्सीनेशन. ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने आधा घंटा रिस्क नहीं लिया और वेट किया है. और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आप लोगों ने देखा, जब हम लोग पहले गए थे उस टाइम कोविन ऐप पर वहां पर दो लोग बैठे थे जिन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया था अलग अलग से. सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया गया था वहां पर और अलग से जहां पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का अलग से बूथ था जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा था. सो अभी मैं मेरा जो सिम्टम्स रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी. सो गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है एंड हेयर को भी अच्छे से ड्राई कर लिया है. एंड अभी मैं पीने जा रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी शायद हमें फीवर आ सकती है रात को. सो इट इज़ सेफ कि हम प्रिकॉशंस लेते रहें. एंड हम लोगों ने ना इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें नए नए इंक्लूड किए हैं अपने डे टू डे लाइफ में. एंड जब भी हम लोग कहीं पर जाते हैं हमारे क्लोथ्स, शूज, एक्सेसरीज, मेकअप, स्किन केयर में कितना इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, लेकिन हम अपने हेल्थ को भूल जाते हैं. अपनी हेल्थ के लिए हम उतना नहीं सोचते, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी नहीं दे पाते, जो कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब ने सीखा कि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, प्लास्टिक्स अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो मेरी और मेरी फैमिली ने 2021 से प्लास्टिक को इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर दिया है. पहले हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स इस्तेमाल करते थे घर पे, लेकिन प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना या कोई भी ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने स्विच किया है स्टेनलेस स्टील के बॉटल्स में जो कि काफ़ी लाइट वेट है. पहले हमें भी ये लगता था कि स्टेनलेस स्टील बॉटल मतलब बहुत ज़्यादा हेवी होगा, कैरी नहीं कर सकते हैं. बट जब से मैंने पेक्सपो के ये स्टेनलेस स्टील बॉटल्स इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये काफी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, स्टाइलिश डिजाइन है, एलिगेंट लुक है और काफी सारे कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है.
ये है पेक्सपो फ्लेमिंगो 1 लीटर वैक्यूम इंसुलेटेड वाटर बॉटल एंड इसका जो ओपनिंग है वो काफी अच्छा है क्योंकि ये है एक कप जिसे आप सिप भी कर सकते हैं. सो बिकम्स वेरी हैंडी एंड यूजर फ्रेंडली. तो मैं अभी जल्दी से गर्म पानी पी लेती हूँ. मोर देन 24 आवर्स तक पानी गर्म या ठंडा रहता है. पानी या कोई भी बेवरेजेस या ड्रिंक्स जूसेस आप रख सकते हैं. मैं तो हमेशा इसे हॉट वाटर स्टोर करने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं हॉट वाटर पीती भी हूँ एंड आजकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉट वाटर सिप करना. सो ये जो पेक्सपो के प्रोडक्ट्स है सारे ही मेड इन इंडिया है. 100% BPA फ्री है एंड 100% फूड ग्रेड है. इनफैक्ट ये बाकी बॉटल से इतना अलग क्यों है क्योंकि ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से बना है एंड इसमें फास्ट फ्रिज कूलिंग होता है. ये अवेलेबल है 3X ड्यूरेबल कलर कोटिंग में जिससे कि आप कुछ भी इससे स्टोर करेंगे तो ये लॉन्ग टाइम तक उसका जो टेस्ट है न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इंटैक्ट रखता है. सो बेवरेजेस ड्रिंक्स जूसेस वाटर आप काफी देर तक इसमें स्टोर करके रख सकते हैं. इसमें 3 लेयर्स ऑफ BIS मेटल एंड वैक्यूम इंसुलेशन है जो कुछ भी इसके अंदर आप रखते हैं तो उसे ठंडा या गर्म काफी घंटों तक रखता है. इनफैक्ट इसके साथ एक जूट बैग भी आता है जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट है कैरी करने के लिए एंड डिजाइन भी काफी स्टाइलिश है. एंड ये जो ब्लू कलर का बॉटल आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये नॉर्मल वाटर बॉटल है जिसका अगर आप ओपनिंग देखें तो इसका ओपनिंग काफी वाइट है तो आइस क्यूब्स एंड ऑल इसमें इजिली चला जाएगा. तो आप अगर कोल्ड वाटर आपको पीना या आइस वाटर पीना पसंद है तो ये काफी हैंडी है और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. मुझे लाइट वेट चीजें पसंद है क्योंकि कैरी करने में इजी हो जाता है और ये इतना लाइट वेट है येट ये एक स्टील बॉटल है तो मैं इसे कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकती हूँ विच इज द बेस्ट पार्ट मेरे ख्याल से. सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं. वैसे तो ये पेक्सपो के प्रोडक्ट्स अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल है. तो अभी तो मैंने गर्म पानी पी लिया है और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फीवरिश सा नहीं लग रहा है बट हाँ बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है बॉडी एक है. और हाँ मेरा अभी सेकेंड डे है साइकिल का तो आपके अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो उस दौरान भी आप वैक्सीन ले सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट थोड़ा सा वीकनेस रहेगा जिसकी वजह से बॉडी एक ज्यादा हो सकती है जो कि मैं फेस कर रही हूँ. मेरे घर में सभी ठीक है किसी को अभी तक तो फीवर नहीं आया है और मैं सोच रही हूँ कि ये जो फर्स्ट डोज वाला जो व्लॉग है ये मैं यहीं पर एंड करूंगी और मैं नेक्स्ट 28 डेज बाद जब हमारा सेकेंड डोज होगा उस टाइम मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी. सो आज है 16th of June और हम लोग जा रहे हैं आज अपना सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और कल से हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश हो रही है बट स्टिल वी हैव टू गो देयर. मैं अभी अपने फोन में कोविन ऐप को ओपन करूंगी एंड आप सबको मैं दिखाऊंगी कि क्या शो हो रहा है. तो ये रहा कोविन साइट. यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ में मुझे क्लिक करना है और साइन इन. तो मेरा तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो मैं साइन इन करूंगी एंड यहाँ पर लिखा है एंटर योर मोबाइल नंबर. तो हियर आई विल पुट माय मोबाइल नंबर और एक OTP आएगा. तो मेरा वाला OTP आ गया है. कैन सी हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर डोज 2. सेक 1 डे लेफ्ट. कल भी 1 डे लेफ्ट ही दिखा रहा था. आज है 16th June तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16th June का डेट दिखा रहा है एंड लेट मी शो यू मेरे फोन पर भी 16th June है. सो आज है 16th June और मैंने अभी थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया है क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना है ऑन एन अर्जेंट बेसिस क्योंकि अगर मैं वैक्सीनेशन करके आ जाऊंगी उसके बाद बहुत ही ज्यादा पेन होता है. फर्स्ट डोज में ही मुझे पता चल गया था कितना ज्यादा पेन होता है एंड बहुत ही ज्यादा लेथर्जी फील होती है. सो आई नीड टू रेस्ट. तो तब मैं तो वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी लेकिन डेडलाइंस है तो मुझे वीडियो उन्हें देना है. सो इसी वजह से मैं अभी वीडियो शूट कर लूंगी. अभी 9 बज रहे हैं एंड वी हैव ओनली 1 आवर. अभी 1 घंटे में मैं वीडियो शूट करूंगी फिर खाना खाऊंगी तैयार होके फिर हम लोग जाएंगे अपना डोज 2 वैक्सीनेशन के लिए. June 17 सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन सेंटर हम पहुंच गए थे और इतनी लंबी लाइन थी बट फॉर्चुनेटली सुबह 10 बजे जाने की वजह से जल्दी जल्दी हमारा वैक्सीनेशन हो गया था.
सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अच्छे से मेंटेन की गई और मैं और दीदी मिलकर मज़े कर रहे थे यहाँ पर। हम दोनों के हाथ टू हैंड डिस्टेंस ऐसा हम लोग देख रहे थे मेजर करके कि वो जो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो सर्कल बनाया था वो कितना डिस्टेंस का है वो मेजर कर रहे थे। और इस बार मुझे इंजेक्शन लगाने टाइम बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। पहली बार कुछ समझ में भी नहीं आया था, इंजेक्शन लगाना हो गया था, लेकिन इस बार काफ़ी दर्द हुआ। दीदी को भी दर्द हुआ, सभी को इस बार दर्द हुआ। और ये जो रिसीप्ट है ना वो वापस ले रहे थे, जो पहले डोज में वो उन लोगों ने जो रिसीप्ट दिया था जहाँ पर कोवैक्सीन लिखा था और सेकेंड डोज का डेट लिखा था वो उन्होंने जमा कर लिया। एंड जब पहला डोज में लगाने गई थी एंड सेकेंड डोज में भी मैंने पूछा कि पैरासीटामोल रात को खाना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर बुखार आए तो ही खाना है वरना नहीं खाना है। तो पहला डोज लेने के बाद तो मैंने तो नहीं खाया था, मम्मी ने खाया था। कुछ ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, जस्ट बॉडी एक एंड हाथ में दर्द था। और इस बार मुझे काफ़ी सीवियर सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स दिखे जो आप इस व्लॉग में आगे ज़रूर देखेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि नर्स अभी ग्लव्स पहन रही है, लेकिन मेरी मम्मी और दीदी के टाइम उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना था। मे बी वो भूल गई थी क्योंकि पहला डोज देने के वक्त वीडियो में आप लोग देख सकते थे कि उन्होंने ग्लव्स पहना था, तो इसीलिए शायद वो भूल गई थी और उन्हें जब याद आया तो उन्होंने जल्दी से ग्लव्स पहन लिया। वीडियो करने का ना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब हम लोग वीडियो देखते हैं तब हमें सब कुछ क्लियरली दिख जाता है और काफ़ी कुछ नज़र आता है जो उस टाइम शायद हमें नहीं नजर आता। इस बार हम आधा घंटे के लिए सेंटर पर नहीं रुके थे आफ्टर वैक्सीनेशन, हम जल्दी से आ गए थे। 5 मिनट ही सिर्फ वेट किया था, सब कुछ नॉर्मल होने पर चारों मिलकर एक साथ हम लोग इस तरह से आ रहे थे और काफी अच्छा लगा हमें प्रोसीजर एंड सिस्टम्स सारे। सो गाइस एज यू कैन सी मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है एंड हमारा जो सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन है वो हो चुकी है एंड आई एम सुपर हैप्पी कि पिंपल हो गया है एक एंड यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कुछ एलर्जी टाइप ऑफ हुआ है। सो ये ना मुझे फर्स्ट डोज लेने के बाद भी मेरे फेस पर पिंपल हो गया था और बॉडी में भी कुछ एलर्जी टाइप मुझे हुआ था और फेस पे भी पिंपल हुआ था। सो आई थिंक दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का ही ये एक इफेक्ट है। अभी बज रहे हैं 4:44 PM और अभी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द है यहाँ पर हम सब की बहुत ही ज़्यादा दर्द है। इस हाथ को हम लोग ऊपर भी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कोई मूवमेंट हो नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा दर्द है। और फीवर तो अभी तक किसी को भी नहीं है, बट लेट्स से रात को शायद फीवर आएगा, लेकिन फिर भी हम गर्म पानी हमेशा पीते रहते हैं। और यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ इसके अंदर गर्मा गर्म चाय, क्योंकि हम लोग वॉच कर रहे हैं हैरी पॉटर। हैरी पॉटर हम लोग बिंज वॉच करते हैं जब भी कुछ मूड होता है वॉच करने के लिए, तो हम लोग अभी हैरी पॉटर देख रहे थे, उसके साथ गर्मा गर्म चाय और ये चिप्स का पैकेट भी है एंड कुछ और चीज़ें भी हैं, स्नैक्स है, नमकीन है जो दीदी ने खुद बनाए है घर पे। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हम लोग कैसे अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि रोटी वगैरह बनाना काफ़ी मुश्किल है। और हम लोगों ने आज प्लान किया है कि हम लोग होम डिलीवरी ले लेंगे, यहाँ पर ही पास में एक रेस्टोरेंट है वहाँ से। तो सो लेट्स सी, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। और मैं दीदी के हाथ पर ये क्रॉस साइन स्केच पेन से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इस हाथ में ही उसका वैक्सीनेशन हुआ है और मैं बार बार इसी हाथ को टच कर रही हूँ। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो काफ़ी गुस्सा भी कर रही है, तो मैंने यहाँ पर उसे ना एक क्रॉस साइन कर दिया ताकि मैं उसे टच ना करूँ और मुझे पता चल जाए। आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पर कितने सारे रैशेस निकल आए हैं, धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया। एंड आँखों की कंडीशन आप देख सकते हैं, जब हैरी पॉटर देख रहे थे तब भी इतना ज़्यादा फूला नहीं था, अभी तो बिल्कुल स्वेलिंग कितनी ज़्यादा है आप लोग देख सकते हो और बहुत ही ज़्यादा पेन। इसके बाद से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। सुबह जब मैं उठी तो आईज इतनी ज़्यादा स्वोलन हो गई थी कि मैं आईज ओपन ही नहीं कर पा रही थी। एंड देन मम्मी और दीदी ने कहा कि कपड़े को एक तवे में रख के गर्म किया, उससे मैं सिकाई कर रही थी अपने आईज की और उससे काफी रिलीफ
मिली मुझे, बट आई वॉन्ट टू थैंक माई सिस्टर एंड मदर काफी ज्यादा. उन्होंने मुझे आइडियाज वगैरह दिया, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया उस दिन. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी एंड उनका भी हाथों में पेन था, फीवरिश सा थोड़ा सा लग रहा था, बट उन्होंने भी काफी कुछ किया है. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड ने भी मुझे काफी दवाई सजेस्ट की है, पापा ने भी काफी काम किया है उस दिन, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी आईज की वजह से. उस दिन मम्मी ने लंच में खिचड़ी बनाई, क्योंकि जब भी मैं बीमार होती हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता तो मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, एकदम प्लेन विदाउट वेजिटेबल्स वाली खिचड़ी, और जिसको बंगाली में आतोप चाल बोलते हैं ना, उस चावल की जो खिचड़ी है वो मुझे बहुत पसंद होती है जब मैं बीमार होती हूँ, तो वो मम्मी के हाथ की मुझे बेस्ट लगती है. तो वो मम्मी ने बनाकर दिया लंच में सभी को, और फिर डिनर में हमने बाहर से मंगा लिया, और फिर डिनर में हमने रोटी और कढ़ाई चिकन खाया, और फिर पता नहीं अचानक से दीदी को थोड़ा सा बुखार जैसा लगने लगा, और मैं थोड़ा सा रिकवर कर रही थी उस टाइम, मेरी आईज का जो पेन है वो भी काफी हद तक कम हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा उस टाइम व्लॉग किया है, वो आप देख लीजिए. आप लोग देख सकते हैं मेरी आई जो है वो काफ़ी कम हुई है, वो गर्म कपड़े की सिकाई करके. तो आज पूरा दिन मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई, और अभी रात से दीदी को इतना ज़्यादा बुखार है, वो सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी उसे थोड़ा सा गर्म पानी पीने के लिए देती हूँ, और वो गर्म पानी पूरा दिन ही वो पी रही थी, हम लोग भी पी रहे थे, लेकिन अचानक उसे इतना ज़्यादा बुखार आ गया. तो लेट्स सी गर्म पानी पी के कैसा फील करती है वो, फिर नहीं तो हम लोग मेडिसिन दे देंगे उसे, पैरासीटामोल दे देंगे. थोड़ा सा अभी कैसा है तबीयत? थोड़ा सा गर्म पानी पी के देख, मेरे ख्याल से गर्म पानी पीने से ना बेटर फील होगा. गुड मॉर्निंग गाइस, और रात को तो मुझे बिल्कुल भी बुखार नहीं आया, एंड ये है अपडेट मेरे आई का. काफी दर्द है, और ये वाला आई लगभग ठीक ही है, थोड़ा सा यहाँ पर स्वोलन है बस उतना ही, बाकी सब कुछ ठीक है. और दीदी के तो बिल्कुल हालत ख़राब ही है बेचारी ने. आप लोगों ने कल रात के जो क्लिप है वहाँ पर तो देखा होगा कि उसने ब्रेड किया था अपने पूरे हेयर में, वो हीटलेस कर्ल्स करने के लिए, और फिर उसको बुखार आ गया, एंड बेचारी अब क्या करे. और उसको पूरी रात इतनी ज़्यादा बुखार आई, फिर उसने रात को उठी एंड देन उसने खुद से ही दवाई लिया पैरासीटामोल, एंड फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी, एंड पूरी रात वो जगी ही हुई थी. तो उसका तो बिल्कुल हालत ख़राब है, और अभी भी वो ऐसे ही मुंह लटकाए हुए बैठी है. अब मैं उसे चिढ़ा रही थी उसके हीटलेस कर्ल्स को लेकर. और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे उसने ये वाला हीटलेस कर्ल्स वाला प्रोसीजर कैसे किया, तो आप उसे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, उसने रील्स बनाए हैं इंस्टा पर, तो उस रील से आप सबको पता चल जाएगा. ये देखिए, ये है हीटलेस कर्ल्स का मशीन, ये एकदम नेचुरल सस्ता सुंदर टिकाऊ मशीन है. और मेरी आई की जो कंडीशन है वो आप लोग अभी देख सकते हैं, काफी ज्यादा बेटर मैं फील कर रही हूँ. और मेरे ख्याल से ये वैक्सीनेशन का कोई और साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर किसी को सेम साइड इफेक्ट हो ऐसा तो नहीं हो सकता. मुझे शायद बुखार नहीं हुआ, और इस टाइम तो सेकेंड डोज के बाद मुझे बॉडी एक भी नहीं हो रहा, बट हाँ लेफ्ट हैंड पर बहुत ही ज्यादा पेन है. लेफ्ट हैंड पर ही वैक्सीनेशन हुआ है, फर्स्ट डोज भी सेकेंड डोज भी. मम्मी पापा के भी लेफ्ट हैंड बहुत ही ज्यादा पेन है, लेकिन एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी एक भी उतना हद तक नहीं है. अभी मैंने प्लान किया है कि मैं दीदी को ना बहुत ज्यादा बुखार है, तो मुझे लग रहा है कि उसे थोड़ा सा बेटर फील कराना चाहिए, तो मैंने एक सरप्राइज सोचा है. उसे पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है, डोमिनोज पिज्जा, तो मैंने डोमिनोज से पिज्जा एंड टाकोज वगैरह बर्गर सब कुछ ऑर्डर किया है. वो शायद 7 बजे आ जाएगी, अभी बज रहे हैं 6:45, 15 मिनट में आ जाएगी, तो उसे मैं ये सरप्राइज दूंगी. आई होप कि उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो, और हम सब मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे आज एंड कल सुबह. आई एम होपिंग कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसका जो ये फीवर है वो ठीक हो जाए. आफो आई सरप्राइज. वाओ थैंक यू. कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा सरप्राइज, थैंक यू. फीवर उतर गया ना ये देख के? एकदम.
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये जो व्लॉग है ये मैंने पूरा शूट किया है आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि वैक्सीनेशन प्रोसेस किस तरह से होता है, एंड मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरी फैमिली ने जो साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे पापा को हाई ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप बेझिझक वैक्सीन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे भी ये आई वाला जो है ये हुआ है, लेकिन ये तो ठीक भी हो गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हम लोगों ने कोवैक्सीन लिया है, तो कोवैक्सीन 28 डेज के बाद सेकेंड डोज लेना है, तो इसीलिए हमारा जो प्रोसेस है वो एक महीने के अंदर खत्म हो गया। लेकिन अगर आप कोविशील्ड ले रहे हैं तो आपको 3 महीने बाद सेकेंड डोज लेना है, तो आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अभी दूसरा एक नया वैक्सीन रशिया का भी आया है जिसको स्पुटनिक बोल रहे हैं, तो वो वैक्सीन भी आप ले सकते हैं। वैक्सीन कुछ भी हो जस्ट ले लीजिए, क्योंकि हम वैक्सीन के बिना नहीं रह सकते, तो वैक्सीन तो लेना ही पड़ेगा आज के डेट में। तो आई होप इस ब्लॉग से आप सबको थोड़ी सी हेल्प हुई है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी मन में क्वेरी है आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आप एक्सपो के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो या आज के लिए इतना ही, बाय।